मेकॉफ मेक रेडियल ड्रिलिंग मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन. द ड्रिलिंग कैपेसिटी फॉर दिस मशीन इज 45 mm एंड द स्पिंडल डायमीटर इज 85 mm. दिस इज अ मेकॉफ इटली मेक मशीन एंड द मॉडल नंबर इज 40C. द ड्रिलिंग कैपेसिटी इज 45 mm. Currently, the spindle is rotating at 570 RPM, and as you can hear, there is no noise in the spindle. The condition of the slides is very good. There are no scratches on the pillar. It is complete with a table. This machine is equipped with a quick change type tool holder and उसके अलग अलग जो attachments हैं वो भी हमारे पास हैं. इसमें tapping के भी attachments हैं और drilling के लिए भी है. It is complete with a vise. इस machine में quick change tool holder भी है. उसमें हमारे पास उसके अलग अलग tapping के और drilling के दोनों type के attachment भी साथ में आए हैं. ये वाला लगा के दिखाओ कैसे लगता है. ठीक है, ये लग गया. ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया है. टूल को लगाना और निकालना बहुत आसान है. टूल निकाल दो अभी. ठीक है जी, इस मशीन में टैपिंग का भी फीचर दे रखा है और उसके साथ जो अलग अलग टैपिंग के लिए जो अटैचमेंट्स हैं, जो इसमें क्विक चेंज होल्डर लग रहा है, टूल होल्डर लग रहा है, वो टैपिंग वाले भी अरेंजमेंट्स आए हैं. अभी जैसे हमने आरपीएम कम पे चला रखा है, टैपिंग के लिए इसको एकदम से रोकना होगा. इसको रोक के दिखाओ जी कैसे रोकोगे एकदम से. ठीक है, इसमें यहाँ पे ये ब्रेक दे रखी है, इसे एकदम से रुक जाता है. फिर चलाना एक बार, ये रिवर्स कर दिया, रोकना हो तो. ठीक है, एक बार फिर से आप सीधे चलाओ, सीधा रोक दो. ठीक है, तो एकदम से रुक जाता है ये उसके लिए, टैपिंग के लिए. लास्ट बार दिखा दो, रोक दो. ठीक है जी, तो टैपिंग इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस मशीन. इसमें अलग से टैपिंग वाले भी हमारे पास अटैचमेंट्स हैं. ठीक है, जो स्मॉल साइज वाले हैं वो सारे टैपिंग वाले हैं, अलग अलग डायमीटर के हिसाब से. ये अभी भी इसमें एक टैप लगा हुआ है. ठीक है, टैपिंग वाले को लगाओ एक बार. ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, टैपिंग होएगा, ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा और जब रिवर्स करेंगे स्पिंडल तो फिर से अपने आप ऊपर चला जाएगा. ठीक है, टिपिकल ट्रैवल ऑफ द आर्म. आर्म को ऊपर ले जाओ. ठीक है, अभी पूरा आर्म मोटराइज्ड ऊपर जा रहा है. ठीक है, नीचे ले आओ. फीड ट्रैवल, हमने अभी स्पिंडल का फीड ट्रैवल एंगेज कर दिया है और ये अभी 0.07 mm पर रेवोल्यूशन से नीचे आ रहा है. ये अभी स्पिंडल की स्पीड हमें अभी बहुत ज़्यादा इसलिए लग रही है फीड ट्रैवल की, क्योंकि जो RPM है वो अभी हमने 570 RPM चलाए हुए हैं. ठीक है, ये फीड का रेट और तेज कर दो. ठीक है, ये अभी और तेज कर दिया फीड का रेट. ऑटोमेटिक स्टॉपिंग, इस मशीन में ये भी फीचर है कि जैसे ही जीरो पे आए ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, ये फिर से ऊपर कर दो. ठीक है, अब फिर से इंगेज कर दो फीड ट्रैवल. फीड का रेट और बढ़ा दो, अभी और बढ़ा दो. और बढ़ा दो. ठीक है, अभी भी मशीन फीड स्पिंडल फीड में चल रहा है, बट बहुत तेज चल रहा है.
ये अभी भी हमने इंगेज किया हुआ है, जैसे ही जीरो पे आएगा अपने रुक जाएगा। ठीक है, डिफरेंट स्पिंडल स्पीड्स। राइट नाउ द मशीन इज वर्किंग एट इट्स मिनिमम स्पीड ऑफ 35 RPM, 90 RPM, 90 rotations per minute। ठीक है जी, रोक दो, अभी ये दिखा दो 300 के आसपास। रोटेशंस पर मिनट, करंट स्पिंडल स्पीड 285 RPM। ठीक है जी, रोक दो, अभी कोई 600 के आसपास दिखा दो, 570 दिखा दो। फाइव सेवेंटी आर पी एम, 570 रोटेशन पर मिनट। ठीक है, हम देख सकते हैं स्पिंडल की लुब्रिकेशन इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। ठीक है जी, रोक दो, अभी कोई 1000 के आसपास दिखा दो, ये दिखा दो 1140। वन फोर जीरो आर पी एम, 1140 आर पी एम। एज यू कैन हियर देयर इज नो मेजर नॉइस इन द स्पिंडल। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड 1460 आर पी एम, 1460 आर पी एम। स्पीडिंग ऑफ द क्लैम्पिंग, अभी ड्रिलिंग हेड क्लैम्प्ड है। ठीक है, और आर्म, ठीक है जी, अनक्लैम्प कर लो, पहले ड्रिलिंग हेड अनक्लैम्प करो। ठीक है, चला के दिखाओ दूसरी तरफ। ठीक है जी, अभी आर्म को भी अनक्लैम्प कर लो। ठीक है, अभी सिर्फ ड्रिलिंग हेड को क्लैम्प कर लो। ठीक है, आर्म अभी भी फ्री है, वो ड्रिलिंग हेड लॉक हो गए, अभी आर्म को भी क्लैम्प कर लो। ठीक है जी, दिस इज अ मेकॉफ मेक रेडियल ड्रिलिंग एंड टैपिंग मशीन कंप्लीट विद लॉट्स ऑफ ड्रिलिंग एंड टैपिंग टूल्स। The machine is in overall excellent working condition and all the features are working perfectly fine.